Relationship of sources initiate network effects. This figure basically is reflecting reinforcing mechanism. effects Adoption of the network products ko reinforce karte accelerate So there could be a direct effect. Direct effect means जो जि जितने ज़्यादा उस नेटवर्क प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले होंगे उतनी लोगों की हेजिटेशन कम होगी उस नेटवर्क प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने के लिए और लोग ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे ये नेटवर्क प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए और ये नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए बिकॉज़ उसकी कंपैटिबिलिटी विद विद अदर फॉर्म्स आपके लिए आसान है लेकिन जो नेटवर्क प्रोडक्ट जो है उसको लोगों ने नहीं अपनाया और उसमें वो हेज़िटेंट हैं तो इसलिए उसको अपनी जगह बनाने में बड़ी मुश्किल होगी देखिए ना जैसे ये जूम है या गूगल मीट है तो अगर ये प्रोडक्ट्स इनमें से वो आप पसंद करेंगे जिनके साथ आपने कम्युनिकेट करना है उसके पास भी ये वाली प्रोडक्ट मौजूद है ये ऐप मौजूद है ये सॉफ्टवेयर मौजूद है तो सिमिलर इज द कंडीशन कि जो नेटवर्क बेस्ड प्रोडक्ट है उसमें हमने देखना होता है डायरेक्ट इफेक्ट्स कि हाउ अडॉप्शन इज़ बीइंग अफेक्टेड ऑफ कस्टमर्स फॉलोइंग द सेम प्रोडक्ट और इसके अलावा जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है इनडायरेक्ट इफेक्ट में हमने बात की कि जो कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं जो ऑक्सिलरी प्रोडक्ट्स हैं जो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी आपको ज़रूरत पेश आती रहनी है इस नेटवर्क प्रोडक्ट के इस्तेमाल में और इस नई टेक्नोलॉजी की अडोपशन में उनकी अवेलेबलिटी क्या है क्या वो आसानी से मिल जाती हैं जो कोई अपडेट्स हैं कोई सॉफ्टवेयर्स हैं कोई स्पेयर पार्ट्स हैं कोई रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिसके बग़ैर ये नेटवर्क प्रोडक्ट को चलाना जो है वो मुश्किल है या मुमकिन नहीं है तो क्या ये तमाम प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाती हैं और क्या इन प्रोडक्ट्स की कीमत मुनासिब है रीज़नेबल है कम है कि कस्टमर आसानी से इनको ख़रीद ले तो इसी बात को इस री uh, मैकेनिज्म में बताया गया है कि जैसे सी वाट इज़ साइज ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के जो इंस्टॉल्ड बेस है यानी कि जो बुनियादी जो कस्टमर्स हैं वो फर्म्स हैं जिन्होंने इस नेटवर्क प्रोडक्ट को अडॉप्ट किया है उनका नंबर कितना है ठीक है और ये जितना नंबर बढ़ता चला जाएगा ये इम्पैक्ट करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का आप देखेंगे कि ये नंबर ज़्यादा है तो ये हम इन हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं वो इनके करीब आसानी से कम कीमत में मौजूद होनी चाहिए देन इट विल फर्दर इम्पैक्ट जब इंस्टॉल्ड बेस यानी कि जिन्होंने अडोप्ट किया है उनका नंबर रीजनेबल है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी मौजूद हैं कीमतें भी उनकी कम हैं इस नेटवर्क प्रोडक्ट के बारे में इनकी जो वैल्यू है वो कस्टमर्स की नज़र में बढ़ जाएगी विच रिजल्टेंटली विल इंक्रीज द फ्यूचर डिमांड उसे क्या होगा कि आपकी जो डिमांड है नेटवर्क प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी नेटवर्क प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो इसी तरह जो वो लोग जिन्होंने इसको अडोप्ट किया है उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी तो ये री इन्फोर्सिंग मेकनिज़म जो है एक सर्कल में काम करता है और ये एक दूसरे को री इन्फोर्स करते हैं और इसी तरह जो इसकी अडोपशन है वो बढ़ती चली जाती है सो इफ़ इनडायरेक्ट नेटवर्क अफेक्ट्स एग्जिस्ट एंड ए प्रोडक्ट इज लॉन्च इट इज नेसेसरी टू एड्रेस द अवेलेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स टू हेल्प इट सक्सीड एज वी सेट

इन दिस सिचुएशन निस स्ट्रैटी विल दैन नाट वर्क एंड शुड बी एवॉइड अब जहाँ पर इसका ताल्लुक है कि अडोपशन से के कितने लोगों ने अडोप्ट किया है ज़ाहिर है नैटवर्क उसी वक्त मजबूत होता है जब ज़्यादा लोग उस नेटवर्क पर मौजूद हों अगर कंपेटबलिटी नहीं होगी तो वो आप आ, उस नेटवर्क प्रोडक्ट को उस तरह से अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जैसे फैक्स है तो फैक्स इस्तेमाल तभी मुमकिन था आपके लिए जबकि दूसरे एंड पे भी फैक्स मौजूद हो तो आप फैक्स भिजवाना चाह रहे हैं उसने फैक्स को अडॉप्ट नहीं किया तो वो ज़ाहरा फैक्स रिसीव नहीं कर सकेगा तो सेम इज़ द केस विद एनी न्यू टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नेटवर्क प्रोडक्ट कि जिसमें जितना ज़्यादा अडोपशन लेवल बढ़ेगा उतनी उसकी वैल्यू टू तो द कस्टमर इंक्रीज होती चली जाएगी और इसमें फिर आप एक निश से लेके शुरू नहीं होते नेटवर्क प्रोडक्ट के लिए राधा आप ऑल आउट जाते हैं मैस मार्केट की तरफ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके जो क्लाइंट्स हैं वो बनाने में आसानी हो इंस्टेड ए रैपिड मार्केट पेनिट्रेशन शुड बी यूज टू इंक्रीज द चांस ऑफ बिकमिंग ए डोमिनेंट स्टैंडर्ड तो आप चाहते हैं कि आप क्विकली ग्रो करें क्विक क्विकली इसको स्टैंडर्ड बनाने में कामयाब हो जाएं तो जब एक टेक्नोलॉजी नहीं आ रही होती है और वो स्टैंडर्ड बन रही होती है तो इससे भी मोटिवेट होती है मार्केट टू इट एज क्विकली एज़ पॉसिबल बिकॉज अगर वो नहीं अडॉप्ट करेगी तो वो वो फर्म नहीं अडॉप्ट करेगी तो वो फिर मार्केट से पीछे रह जाएगी सो इफ एन एंट्रप्रोर इज़ लॉन्चिंग ए नेटवर्क प्रोडक्ट द ऑब्जेक्टिव शुड बी टू बिकम द डोमिनट स्टैंडर्ड एज सुन एज पॉसिबल इन्वॉल्विंग ऑफिशियल एजेंसीज दैट डिसाइड ऑन न्यू स्टैंड एंड सर्टिफिकेशन मे प्रूव वेरी यूजफुल इन दिस रिगार्ड इट कैन हेल्प गेट योर स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड एंड विल एक्सलोरेट बिकमिंग द न्यू डॉमिनेंट स्टैंड तो इसमें जो ऑफिशियल एजेंसीज हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन करती हैं उनकी भी हेल्प ली जा सकती है उनको भी आ, आ, इस चीज़ पे कन्विंस करने की कोशिश की जा सकती है कि जो टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है या जो नेटवर्क प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी इसको इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किया जाए तो अगर आपको इस तरह की कोई सर्टिफिकेशन मिल जाती है तो इट विल फर्दर एक्सलेट द चांसेस ऑफ अडॉप्टिंग दिस पर्टिकुलर नेटवर्क प्रोडक्ट uh in the, in the whole market